अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर श्रीमान जितनी बार आए हैं, जितना समझते हैं उतना शायद इस सदन में कोई नहीं समझता। कई बार तनाव के क्षण आते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सबकी मान्यता है, दृढ़ मान्यता है, ये आसन सर्वप्रिय है। आसन का सम्मान करना हमारा कर्तव्य भी है और यह संसदीय लोकतंत्र की परंपरा भी है और एक तरह से आवश्यकता भी है। पर अध्यक्ष महोदय, कई बार उत्तेजना के क्षणों के अंदर जब मान्य सदस्य अपनी बात कहते हैं, मौका नहीं मिलता तो इस तरह के दृष्टांत हो जाते हैं। इसी सदन के अंदर भादरा से आने वाले मान्य सदस्य ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में अपना विरोध जिस प्रकार प्रकट किया, वो सारे सदन ने देखा। मैं तो आपको ये निवेदन करना चाहूंगा, डोंट रेफरेंस ऑफ गवर्नर प्लीज। आप सीनियर हैं, लीडर हैं, गवर्नर जब हाउस में होता है तो स्पीकर कुछ नहीं कर सकते। डोंट कोट इट, बिकॉज कल से मैं देख रहा हूँ गलत सूचना जनता के बीच में जा रही है। जब गवर्नर हाउस में आते हैं तो हाउस गवर्नर के पोजीशन में होता है, कोई भी व्यवहार क्या करता है इस बिटवीन गवर्नर एंड इंडिविजुअल मेंबर। सरकार यदि पक्ष में उसके समझती तो प्रस्ताव लेके आए, अन्यथा उसके संबंध में अध्यक्ष महोदय कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसको कोट नहीं करें कृपया। अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल सही फरमाया, संसदीय कार्य मंत्री जी को उस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये आसन उदार है और अध्यक्ष महोदय ऐसी उदारता थोड़ी इधर भी होनी चाहिए, ये नजरें इधर भी इनायत होनी चाहिए। गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, इन बंदों को अपना मानो। गुस्सा छोड़ो, कहा तो मानो, इन बंदों को अपना मानो। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सदन चले, हम चाहते हैं। और मान्य सदस्य ने जो बात कही, और किसी प्रस्ताव के माध्यम से जब आप अनुमति देंगे तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं, मेरी मान्यता है संसदीय कार्य मंत्री आपका कर्तव्य सदन को चलाने में है, गतिरोध पैदा करने में नहीं। मैं भी इस कुर्सी पर बैठा हूँ, कृपया अपने आचरण को ठीक करें।